Hi students, how are you all? Welcome to Simplified Maths. So today we are going to start with a fresh topic, that is cyclic group. ठीक है, permutation की मैं वीडियो बना चुकी हूँ. आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो एलजेब्रा की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी. राइट, सो टुडे वी आर कवरिंग व्हाट इज अ साइक्लिक ग्रुप विद एग्जांपल. हम ये देखो, ये जो सेकेंड है, ट्रिक्स जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं या नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्डर का, इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. ठीक है, फोर मार्कर में. एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये हम डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्टली यूज हो जाती है. एंड अब हमारे कुछ अच्छे ग्रुप्स आने लग गए हैं, दैट इज क्लिन्स फोर ग्रुप एंड क्वार्टर्नियन ग्रुप. देखो, क्लिन्स फोर ग्रुप या फिर क्यूएट जो क्वार्टर्नियन ग्रुप है ना, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पर अगर हमें कोई ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है तो हम इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. जैसे आपको बताऊंगी इनका ऑर्डर क्या होता है, अगर इसी ऑर्डर का यही प्रॉपर्टीज का कोई हमें ग्रुप गिवन है उस ऑर्डर का, ठीक है, तो हम इनका एग्जाम्पल लेके किसी भी ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट, साइक्लिक ग्रुप. व्हाट इज अ साइक्लिक ग्रुप? अगर मैं कोई भी ग्रुप ले लूं, जी स्टार, हियर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? अगर कोई ऐसा ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ग्रुप का, सच दैट ए इक्वल्स टू, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरेटर हो जाएगा. ठीक है, और इसको हम कैसे निकालते हैं जनरेटर को, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. ए पार एन such that n belongs to natural numbers, sorry integers, not natural numbers, integers. ठीक है, generator of A का यही formula होता है, किसी भी group के element को generate करना है तो उसका क्या formula होता है, उसकी power ले लो n, such that n belongs to integers. और मैंने आगे लिखा भी है that every element of G is an integral power of A. यही मतलब है A power n, n belongs to integers. ठीक है, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है. उसमें हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ग्रुप में बिलोंग करे, और किस तरह से हो कि उसका जो हर एलिमेंट है जी का वो इंटीग्रल पावर ऑफ ए हो, इसे हम कहेंगे ए इज कॉल्ड हियर जनरेटर ऑफ जी. ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखो, जेड प्लस, जेड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, तो जेड प्लस क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. यहाँ पे प्लस क्या है, एडिशन का है, एडिशन. यहां पर Zn एडिशन मॉडुलो, दिस इज नॉट एडिशन मॉडुलो एडिशन n, मींस यहां पे कार्डिनलिटी क्या हो गई, n. सो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया ऑर्डर n का. इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन इंटीजर मॉडुलो n. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख लीजिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. जैसे कि अगर n मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, अगर n मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए हमेशा एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर n का. जैसे कि ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है Zn plus n, राइट, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, राइट. ऐसे ही अगर g मेरा कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, a मेरा कोई एलिमेंट है g का, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को. ठीक है, जी अगर मेरा कोई, ये ध्यान रखना जी फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए. यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें जेड प्लस है, जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, उसके लिए लागू नहीं होगा. जो सेकंड एग्जांपल है जेड एन प्लस एन, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, इट इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसके लिए ये प्रॉपर्टी लागू हो सकती है. प्रॉपर्टी कहती है अगर जी मेरा फाइनाइट ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी का, ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को. एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक. अगर किसी भी ग्रुप का, सपोज ऑर्डर ऑफ जी मेरा पी है, पी इज प्राइम, ठीक है, तो हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमारा साइक्लिक होता है,
एंड हैंस अबेलियन. अगर साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अगर एबिलियन है तो हम साइक्लिक नहीं कह सकते, पर अगर साइक्लिक है ग्रुप तो एबिलियन होगा, राइट. एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. जी, अगर मेरा कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका आप कोई भी सब ग्रुप ले लो, वो हमारा साइक्लिक होगा, राइट. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग, कैसे हम निकालते हैं नंबर. लेकिन उससे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है. अगर जी मेरा है जनरेटर ऑफ ए, ये मेरा अगर साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, साइक्लिक ग्रुप के लिए फाइनाइट ऑर्डर होना चाहिए, देन इनफाइनाइट भी हो सकता है ऑर्डर, फाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में दोनों ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है. पर हम फाइनाइट ग्रुप की ही बात करेंगे यहाँ पे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप लागू होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए, ठीक है. देन ईच पॉजिटिव डिवाइजर के ऑफ एन, ठीक है. पॉजिटिव इसकी ना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ईच पॉजिटिव डिवाइजर कह रहा है, ठीक है. पॉजिटिव डिवाइजर होना चाहिए के एन का. उसके बाद अगर ये चीजें सेटिस्फाई करती हैं, क्या अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, और जी के पास हर पॉजिटिव डिवाइजर है के ऑफ एन, जी है, देन जी हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के. तो जी के पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप ऑर्डर के का होगा, और वो किस टाइप का होगा, जनरेटर होगा ए पार एन बाय के. एन बाय के लिख सकती हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव डिवाइजर है के का. पॉजिटिव डिवाइड करेगा एन बाय के, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ ईच पॉजिटिव डिवाइजर के ऑफ एन, सो ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, राइट. एन डिवाइड्स के, तो उस केस में जी का यूनिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर के, जो इस टाइप का होगा, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के, तो क्या होता है, ऑर्डर एन का मतलब फाइनाइट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सो सारी चीजें है ना, ये फाइनाइट के लिए है, इनफाइनाइट का हम नहीं निकाल सकते. सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने हैं साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के, वो होता है टाउ एन. अब देखो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपको ग्रुप गिवन है, ठीक है, वो साइक्लिक है या नहीं है. सब ग्रुप्स कितने हैं, वो टाउ एन से आ जाएगा. टाउ फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस. अगर ए मेरा जी मेरा जनरेटर ऑफ ए है, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, अगेन फाइनाइट, देन डी इज द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन. If D is the positive divisor of N, तो number of elements of order D के कितने हो जाएंगे? Number of elements जिनका order D हो, वो हम कैसे निकालेंगे? Phi D से. Phi क्या है यहाँ पे? Euler's phi function. हम अभी discuss करेंगे examples से कि number of elements of order 100 कैसे निकालते हैं, right? Next example देखो, मैं Z200 addition modulo 200 ले रही हूँ, ठीक है. किस type का हो गया ये? Zn एडिशन मोडुलो एन का हो गया, जो हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, राइट. सेकंड एग्जांपल उस टाइप का हो गया. सो दिस इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, राइट. सो सबसे पहले तो आप क्या करो, 200 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, ठीक है. 200 के प्राइम फैक्टर्स मेरे क्या बनेंगे, 2 पार क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, यही बनेंगे. तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स अगर मुझे निकालने हो Z200 के, वो क्या होते हैं, अभी डिस्कस किया है, टाओ 200. टाओ 200 में क्या होता है, जो पार होती है ये ऐड हो जाती है, दैट इज क्या हो जाएगा, टाओ 200 3+1 × 2+1, दैट इज 12, राइट. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100 निकालने हैं, जो अभी जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका सेकेंड पार्ट में हमने देखा था, वो किससे निकलते थे, 5D से, राइट. 5D यहाँ पे D क्या है, डिवाइड कर रहा है 200 को, राइट. 5D से निकलते हैं, सो 500. 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 100 के फैक्टर्स होते हैं 2² × 5², ये फैक्टर होता है 100 का, राइट. सो यहाँ पे 5, ऑयलर्स फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, 200 × 1 − 1/2 × 1 − 1/5, और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, 2³ − 2² करके, 5² − 5 करके, राइट. वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप कैसे भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है नंबर ऑफ जनरेटर्स, अगर आपको निकालने हो, इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं, 5 200.
5 to 100 अगेन 100 into 1 minus 1 by 2 क्योंकि ये 2 है यहाँ पे 1 minus 1 by 5 राइट right? दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हो. तो टाउ फंक्शन ऑयलर्स फंक्शन जो है कैसे सॉल्व करते हैं ये आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए ठीक है. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट इज क्लीन्स फोर ग्रुप. ठीक है क्लीन्स फोर ग्रुप क्या होता है वो समझ लीजिए. ये ऑर्डर फोर का क्लीन्स फोर ग्रुप को हम डिनोट करते हैं के फोर से. ठीक है तो इसका ऑर्डर होता है फोर. फोर ऑर्डर का ग्रुप है ये जिसका हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स होता है. ठीक है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये ऑर्डर फोर का ग्रुप होता है इसका हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है उसको हम कहते हैं क्लीन्स फोर ग्रुप और उसके फोर से हम डिनोट करते हैं. एंड इट इज जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स. सिर्फ दो एलिमेंट से ये जनरेट होता है ए और बी. ठीक है ए और बी दो एलिमेंट है उससे जनरेट होगा कैसे. सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई. क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है मींस उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा. सेल्फ इनवर्स में क्या होता था आइडेंटिटी आता था अगर उसका स्क्वायर करें खुद का ही. ठीक है सो के फोर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए मेरे ई ए बी सी. ठीक है और इनकी किस टाइप की प्रॉपर्टीज है. ए इंटू बी करूं तो सी आए बी इंटू ए करूं तो भी सी आए A into C करूं तो B आए C into A करूं तो भी B आए B into C करूं या C into B करूं तो A आए. ठीक है ये और ये मैं बता चुकी हूं A square E के इक्वल है B square E के इक्वल है C square E के इक्वल है राइट एंड E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर. सो अगर मैं ये टेबल देखूं ये टेबल तो खुद ही समझ आ जाएगी. यहां पे क्या किया हुआ है वन सेक. यहां पर E into E किया तो आइडेंटिटी आया. E को आइडेंटिटी को A के साथ किया आइडेंटिटी आया राइट. आइडेंटिटी को E के साथ किया B के साथ किया तो B आया. आइडेंटिटी को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो C आया. इसी तरह से A को E के साथ मल्टीप्लाई किया तो A आया. A को A के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे A को A के साथ मल्टीप्लाई किया मीन्स A स्क्वायर और A स्क्वायर ऊपर क्या है मेरा आइडेंटिटी. इस टाइप से ये टेबल है जस्ट हैव अ लुक. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम क्लीन्स फोर ग्रुप की. जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर तो वन ही होगा. जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके ऑर्डर क्या होंगे टू. ठीक है अगर हम कोई भी दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ले लेते हैं वो कैसे सर्व होंगे एज जनरेटर्स. क्लीन्स फोर ग्रुप जो है वो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है. क्लीन्स फोर ग्रुप इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप और ये सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप है. देखो ये नॉन साइक्लिक है पर एबिलियन है. इट इज हाउएवर एन एबिलियन ग्रुप. मैंने आपको बताया था अगर साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा. लेकिन अगर एबिलियन है तो साइक्लिक हो भी सकता है नहीं हो सकता. तो ये आपको एग्जांपल मिल गया के फोर का. के फोर जो है एबिलियन है पर साइक्लिक नहीं है राइट. सो क्लीन्स फोर ग्रुप में पांच सब ग्रुप होते हैं. तो अगर ऑर्डर वन का कौन सा होगा एक ही एलिमेंट है दैट इज ई. ठीक है तो एक सब ग्रुप हो गया ऑर्डर वन का. ऑर्डर टू के तीन आ गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीन आ गए तीन सब ग्रुप हो गए. ऑर्डर फोर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं ऑर्डर फोर के एक या दो ऑर्डर के ही है तो एक सब ग्रुप होगा वो खुद ही ग्रुप इटसेल्फ. ठीक है नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सब ग्रुप की लिस्ट कैसे होगी. H1 पहला सब ग्रुप दैट इज आइडेंटिटी ऑर्डर 1 का. H2, H3, H4 जो है ऑर्डर 2 के आ गए EA, EB, EC और H5, K4 जिसका ऑर्डर 4 है राइट. द क्लीन्स फोर ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप जिसका हर प्रॉपर सब यहां पे इट इज मिसिंग हियर इट इज प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक. ठीक है क्लीन्स फोर ग्रुप नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसका हर प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा. प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी और खुद ग्रुप को खुद को छोड़ के जो भी उसके सब ग्रुप्स हैं वो हमारे साइक्लिक होंगे जैसे H2, H3, H4. ठीक है तो क्लीन्स फोर ग्रुप एक ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल गया जो नॉन साइक्लिक है एबिलियन है पर उसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है राइट.
सो के फोर काफी जगह यूज होगा ऑप्शंस डिस्कार्ड करने में. नेक्स्ट Q8 दैट इज क्वार्टर्नियन ग्रुप. क्वार्टर्नियन ग्रुप भी डिस्कार्ड करने में ऑप्शंस काम आता है. ये बहुत ही फेमस ग्रुप है. दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप. ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, के 8 से. और इसके एलिमेंट्स देख लो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के. ये जो है ये सारे सिंबल्स हैं, आई जे के. ठीक है, तो इसके ये आ गए हमारे एलिमेंट्स. अब इन पे ऑपरेशंस देखो कैसे लगे हुए हैं. आई स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर दैट इज माइनस वन. आई स्क्वायर माइनस वन होगा, जे स्क्वायर माइनस वन होगा, के स्क्वायर माइनस वन होगा. एंड आई इंटू जे करेंगे तो वो के इक्वल आएगा, और माइनस जे इंटू आई करेंगे तो वो के इक्वल आएगा. जे इंटू के करो या माइनस के इंटू जे करो, वो आई के इक्वल आएगा. यहाँ पे के इंटू आई करो या माइनस आई इंटू के करो, वो जे के इक्वल आएगा. मीन्स दो का मल्टीप्लाई करेंगे वो थर्ड एलिमेंट के इक्वल आएगा. पर साइकिल यहां देख लो, आई जे इक्वल्स टू के, जे के इक्वल्स टू आई, के आई इक्वल्स टू जे. ये याद रख लो. बाकी आई जे की जगह अगर इसको रिवर्स करोगे, जे इंटू आई करोगे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो. और इसी बेसिस पे आई स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, और ये जो सारी चीजें हैं इसी बेसिस पे टेबल बनाई हुई है. चलो देख लेते हैं हम ये वाली रो देखते हैं. ठीक है, माइनस आई, माइनस आई इंटू वन क्या होगा, वन के साथ किसको करोगे तो वही आएगा, दैट इज माइनस आई. माइनस आई इंटू माइनस वन करोगे तो आई, आई आ गया मेरा. माइनस आई इंटू आई करोगे तो यहाँ पे क्या था, आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन था, तो माइनस आई इंटू आई तो मेरा माइनस आई स्क्वायर हो गया. तो अगर आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन है तो माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, वन. ठीक है, इसी तरह से माइनस आई इंटू जे करोगे, माइनस आई इंटू जे, यहाँ पे आई इंटू जे के है तो माइनस आई इंटू जे क्या हो जाएगा, माइनस के. राइट, सिमिलरली माइनस आई इंटू माइनस आई करोगे, दैट इज आई स्क्वायर. आई स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है. माइनस आई इंटू माइनस जे करेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू माइनस जे करेंगे, दैट इज नथिंग बट आई जे. आई जे किसके इक्वल है, के इक्वल है, एंड सो ऑन. तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप टेबल इजिली बना सकते हो. राइट, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं Q8 की. Q8 को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स ही लेते हैं, ए बी. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे होगा 4, और किस टाइप से है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है, एंड बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा इन्होंने, आई की जगह ए ले लिया, जे की जगह बी ले लिया, और के की जगह ए बी ले लिया. जैसे के फोर में लिया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर किसको लिया था, ए बी होल स्क्वायर को. इसी टाइप से थोड़ा इजी करने के लिए, समझने के लिए, आई को ए ले लिया, जे को बी, के को ए बी. ठीक है, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लूं ए बी ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 4 का एलिमेंट है ए बी, यहाँ पे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारे होंगे सर्व एज जनरेटर्स. ठीक है, जो क्वार्टर्नियन ग्रुप है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8. Q8 है तो इसका ऑर्डर 8 होगा. तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो Q8 की ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है और उसका ऑर्डर 8 है, तो आप उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं ये इस ग्रुप की हेल्प से. इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है. राइट, सो हमारा K4 क्या था, नॉन साइक्लिक ग्रुप था, एबिलियन था, उसके हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक था. K4 ग्रुप नॉन साइक्लिक है पर उसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक था. ठीक है, और Q8 मेरा क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का. नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके पास 6 सब ग्रुप है. ऑर्डर 1 का एक ही सब ग्रुप होगा आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है. ठीक है, ऑर्डर 4 का 6 एलिमेंट्स हैं. ये देखो यहाँ पे ऑर्डर H1 ऑर्डर 1 का हो गया, H2 ऑर्डर 2 का हो गया, और ऑर्डर 4 के कितने हो गए, 1, 2, 3. ठीक है, 3 सब ग्रुप हो गए ऑर्डर 4 के,
ऑर्डर 8 का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऑर्डर 8 का खुद Q8 ही है, तो एक ही सब ग्रुप होगा Q8, राइट। हर जो प्रॉपर सब ग्रुप है Q8 का वो साइक्लिक होगा, ठीक है, इसमें भी वही चीज है, हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। ये ग्रुप नॉन एबिलियन है पर उसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होगा, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम और ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिहाइड्रल ग्रुप हो गया, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्कार्डिंग ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, सी यू।